आज जब यहाँ पर केंद्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा कस्तर विकास योजना का यहाँ पर शुभारंभ किया जा रहा है, मैं इस अवसर पर अपने मंत्री जी को, राज्य के उद्यान मंत्री श्री सुबोध मुनिया जी को और जो रेशम बोर्ड की टीम है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे इस उद्योग से जुड़े हुए तमाम जो किसान हैं, मैं समझता हूँ कि इससे उनके रोजगार के लिए एक नए आयाम मिलेंगे। उत्तराखंड में ओक जो है ये प्राकृतिक रूप से, जिसको हम लोग अपनी लोकल भाषा में बांझ बोलते हैं, पर्याप्त मात्रा में पैदा होता है, उससे भी हम सिर्फ पैदा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसकी पत्तियां थोड़ा हार्ड होती है। इसके कारण जो हीट है उसको थोड़ा उसको काटने में दिक्कत होती है, और स्वाभाविक रूप से उसका जितना तेज गति से उत्पादन होना चाहिए उसमें बाधा उत्पन्न होती है। और इसलिए जो यहाँ पर माननीय मंत्री जी द्वारा मणिपुरी बांस की बात की गई है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। उसका